जय हिंद प्यार साथियों, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल आस मोटिवेशन पर। मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो हर परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। परीक्षा का नाम चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों प्रतिशत। आइए हम सीखते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, 1% वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। गणितीय भाषा में कहा जाए तो किसी संख्या को 100 के सापेक्ष लिखना प्रतिशत कहलाता है। प्यारे बच्चों आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू रखते हैं। जैसे कहीं पर भी लिखा हो 20% बराबर कितना होता है। प्यारे बच्चों 20% बराबर कितना होता है, ये होता है 1/5। कैसे हुआ प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्यारे बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कहीं पर भी अगर दिया प्यारे बच्चों 20% को भिन्न में चेंज कीजिए तो बराबर हम क्या करेंगे। प्यारे बच्चों प्रतिशत का मतलब होता है किसी 1% बराबर होता, प्रतिशत का अर्थ होता प्यारे बच्चों किसी अंक को सौ बनाना पूरा प्यारे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 20 × 1/100। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, 1% वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्यारे बच्चों जिसका हर 100 होता है तो हम क्या करेंगे, तो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 2 × 2 = 2 × 5 = 10। प्यारे बच्चों अगर प्रश्न में कहीं पर 20% लिखा है तो उसको हम डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। अगला हम फ्रैक्शन देखते हैं, कहीं पर लिखा हो 16 से ही 2/3% को भिन्न में चेंज कीजिए, किसमें भिन्न में चेंज कीजिए, तो जाएगा 16 × 3 = 48, 48 × 2 = 50। प्यारे बच्चों 50/100 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5 × 5 = 10। प्यारे बच्चों कहीं पर भी प्रश्न में 16 से ही 2/3% तो उसको हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, कहीं पर भी लिखो प्यारे बच्चों 50% बराबर कितना होता है। सॉरी प्यारे बच्चों यहां पर होगा 16 × 48 = 2 = 50। 50/3 × 1/100, 0 0 कट गया, 5 × 5 = 5 × 10, ये हो जाएगा हमारा 1/6। कहीं पर लिखा हो 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता प्यारे बच्चों, तो होगा 1/6। अगर लिखा 50% बराबर कितना होता है तो इसको लिख सकते हैं 50/100 1/2 प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, अगर लिखा हो 25% बराबर कितना होता है, या कहा जाए 25% को भिन्न में चेंज कीजिए तो हमारा होगा 25/100, 25 × 25 = 100, 1/4 प्यारे बच्चों 1/4 हो गया। अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, कहीं पर लिखा हो कि 20% को भिन्न में चेंज कीजिए, 20% को भिन्न में चेंज कीजिए तो हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 1/5। प्यारे बच्चों अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि 20% बराबर कितना होता है तो लिखेंगे 1/5। अगला देखते हैं, 11 से ही 1/9% बराबर कितना होता है, ये होगा प्यारे बच्चों 11 × 99 = 100, यानी 100/9 करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 100 × 1/100 करेंगे प्यारे बच्चों, 100 से 100 कट गया, हमारा होगा आंसर 1/9। प्यारे बच्चों हमने वो डाटा लिखा है जो क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलता है, हम डायरेक्ट ना बदल कर इसको याद करके डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन आसान होगा। अब हम मिलते हैं अगले दिन
जय हिंद।